रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। इस वैक्सीन का उत्पादन भारत में होगा। रूस के संप्रभु धन कोष और भारतीय दवा कंपनी हेटेरो ने स्पुतनिक वी वैक्सीन के भारत में प्रतिवर्ष 100 मिलियन से अधिक खुराक का उत्पादन करने पर सहमति व्यक्त की है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार स्पुतनिक वी के ट्विटर अकाउंट पर जारी एक बयान के हवाले से इसकी जानकारी दी है। बता दें कि रूस ने पिछले दिनों कहा था कि उसकी वैक्सीन 95% कारगर पाई गई है और इसके एक खुराक की कीमत $10 होगी। इसे रखने के लिए अत्यधिक ठंडे कोल्ड स्टोरेज की भी जरूरत नहीं होगी। स्पुतनिक वी के ट्विटर अकाउंट पर जारी बयान में कहा गया कि वैक्सीन का समर्थन और वैश्विक स्तर पर मार्केटिंग कर रहे हेटेरो और रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष की शुरुआत में भारत में स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू करने की योजना बनाई है। बयान में यह भी कहा गया है कि भारत में दूसरे और तीसरे फेज का ट्रायल जारी है। वर्तमान में वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल बेलारूस, यूएई, वेनेजुएला और अन्य देशों में चल रहा है। हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी भारत में इसके फेज 2 और 3 ट्रायल कर रही है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड ने कहा है कि भारत में मार्च 2021 तक अंतिम चरण का ट्रायल पूरा हो जाएगा। रूसी अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रूस द्वारा दिसंबर में दूसरे देशों को स्पुतनिक वी वैक्सीन सीमित मात्रा में मुहैया कराई जाएगी, जबकि जनवरी 2021 में अन्य देशों में प्रमुखता से इसका वितरण किया जाएगा। इसके उत्पादन को बढ़ाने और कीमत को और कम करने का प्रयास जारी है। रूस के लोगों को यह वैक्सीन फ्री में मिलेगी। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।